से बंद हुआ मधुशाला, बच्चे जा रहे हैं पाठशाला। हम लोग तो सीताराम मानने वाले लोग हैं, हम लोग मिथिला से हैं और हमारे यहाँ माँ सीता का जन्म हुआ है, वहाँ प्रभु स्वयं गए थे और उस जगह पे उनकी शादी विवाह हुआ। जब से लोग विपक्ष लोग आवाज़ उठाने लगे तभी से रामचंद्र जी हैं कि एंशिएंट से पहले से हैं। आज का इतिहास है रामचंद्र जी का, जी है एंशिएंट से पहले के इतिहास है। देव गुरुओं के घर में पूछे कि शराबबंदी होने से क्या लाभ हुआ है, तो वो स्वयं कहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के लिए देवता है, जिन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया, उस समय भी उनका विरोध हुआ था। आज शराबबंदी का जब बिहार में लागू हुआ तो कई लोग कई तरह से विरोध किए, लेकिन आज देख लीजिए दूसरे स्टेट में उसका अनुसरण करने का पहल कहल रहा है, तो ये अच्छी बात। राम मंदिर को लेकर पूरे देश में हाय तौबा मचा है और ऐसे में अब इसको लेकर हमारे साथ है परिवहन मंत्री शीला मंडल, उनसे बात करने की कोशिश करें। मैम राम मंदिर को लेकर जो है बवाल अभी तो बोलवे किए हैं तो राम बवाल मचा हुआ है मैम, क्या लगातार आवाज उठ रहा है कि विपक्ष जो है इसको राम को नहीं मानता है राम काल। देखिए ये जो लोग आवाज उठा रहे हैं उससे लोगों से आप लोग को सवाल करना चाहिए कि एक बात बताइए, ये जब से लोग विपक्ष लोग आवाज उठाने लगे तभी से रामचंद्र जी हैं कि एंशिएंट से पहले से हैं। आज का इतिहास है रामचंद्र जी का, जी है एंशिएंट से पहले के इतिहास है और आज प्रभु को मानता है लोग। कब से रामायण महाभारत की रचना कब हुई थी, आज लोग इस बात की चर्चा करके एक तरह से समझिए चाल चल रहे हैं दाल गलाने के फेर में, ये सब कोई बात है। प्रभु तो सबके हैं, हर कण में हैं, हर मन में हैं, हर एक खम में हैं, कहाँ नहीं है प्रभु राम। हम लोग तो सीताराम मानने वाले लोग हैं, हम लोग मिथिला से हैं और हमारे यहाँ माँ सीता का जन्म हुआ है, वहाँ प्रभु स्वयं गए थे और उस जगह पे उनकी शादी विवाह हुआ था, तो हम लोग तो सीताराम कहने वाले लोग हैं। हम लोग के लिए और हमारे पार्टी में जो हमारे नेता हैं, हम लोग का लक्ष्य ही है कि हम लोग सभी धर्मों का आदर करते हैं। क्या लगता है राजनीति भुनाने की कोशिश की जा रही है क्या राम मंदिर के जरिए? देखिए हर आदमी अपने तरीके से करता है और चाल चलता है कि हमारा दाल कैसे गले, इसमें लोग लगा हुआ है, जो जिसको मन आता है सो बोलता है, लेकिन प्रभु सीताराम हम लोग कहने वाले लोग हैं, सीताराम ही कहेंगे। शराबबंदी भी कर दी गई है मैम एक दिन के लिए। देखिए यही तो कहना है कि आज हमारे माननीय नेता ने जो बिहार में शराबबंदी किए थे उसका सभी लोगों ने कैसे विरोध किया, लेकिन आप देखिए शुरू में जी जब भी आप समाज के हित में कोई काम करता है शुरू से इतिहास गवा रहा है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया, उस समय भी उनका विरोध हुआ था। आज शराबबंदी का जब बिहार में लागू हुआ तो कई लोग कई तरह से विरोध किए, लेकिन आज देख लीजिए दूसरे स्टेट में उसका अनुसरण करने का पहल कहल रहा है, तो ये अच्छी बात है। और हमारे नेता जो बिहार में पहले करते हैं वो लोग बाद में करते हैं, समझ आप चाहेंगे मैम कि पूरे देश में शराबबंदी हो? देखिए हमारे चाहने और नहीं चाहने से क्या होता है, जनता क्या चाहती है। और देखिए ये शराब पीना आप जानते हैं कि आप WHO का सर्वे हुआ है उसमें पता चला है कि इस शराब पीने से कई तरह की बीमारी 200 तरह की बीमारियां होती है। आप उस बीमारियों से बच सकते हैं, घरेलू हिंसा से बच सकते हैं, रोड एक्सीडेंट से बच सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं समाज में शराब पीने के वजह से। कल हम महिलाओं को हम लोग को याद है जब हम लोग निकलते थे तो बाहर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज उस तरह का माहौल देखने को नहीं मिल रहा। आप जाइए गाँव में गरीब गुरबों के घर में पूछे कि शराब बंदी होने से क्या लाभ हुआ है, तो वो स्वयं कहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के लिए देवता है, जिन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया जिसके वजह से आज जब से बंद हुआ मधुशाला बच्चे जा रहे हैं पाठशाला, अब सब बच्चा स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है, घर में लोग अच्छे से खाना पीना खा रहे हैं। पहले ये सब नहीं था, जो इसमें मतलब इतना सब लोग कम दो पैसा होता था सब उसमें गवा देता था, लेकिन अब घर में भी उसके घर में गरीब गुरबा के घर में देखिए तो सब खाना अच्छे से दाल चावल सब्जी बच्चियाँ से खा रहा है लोग, उसके बच्चे भी घर में भी अमन चैन है और समाज में भी बहुत अच्छा मैसेज है इसका। तो जब से बंद हुई मधुशाला तब से बच्चे जा रहे हैं पाठशाला, ये कहना है बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल का। जिस तरह से राम मंदिर को लेकर पूरे देश में हल्ला है हंगामा है, भाजपा एक और राम मंदिर को लेकर राजनीतिक मुद्दा बना चुकी है, तो वहीं विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। तो ऐसे में बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल ने साफ कहा है कि अब राम को लेकर इतना हाय तौबा क्यों, क्योंकि राम आज से नहीं बल्कि सदियों से है और ऐसे में इसको लेकर अब राजनीति भुनाने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज की।